हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज मैं बात करने वाली हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है वजाइनल प्रेशर या वजाइनल पेन ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। मैंने एक वीडियो बनाया था वजाइनल प्रेशर के ऊपर, जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर या पूरे ट्राइमेस्टर में कब आपको होता है और कैसा फील होता है और आपको क्या कुछ रेमेडीज़ आप कर सकते हो जिससे कि आपको आराम मिले। वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और उन्हीं में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि हमारी अर्ली प्रेगनेंसी है या फिर हम ट्राई कर रहे हो, हमको ये सिम्टम फील हो रहा है तो ये सही है, सेफ़ है या नहीं। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी में अगर आपको वजाइनल पेन या प्रेशर हो रहा है तो वो सही है, सेफ़ है या नहीं, या कोई टेंशन की बात है और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो गाइज, वजाइनल प्रेशर या वजाइनल पेन जो होता है उसका मेन कारण जो है वो यूट्रस का साइज़ जब बढ़ता है, बेबी का साइज़ बढ़ता है, आपका वेट बढ़ता है, तो वो सारा प्रेशर जो आपके वजाइनल एरिया के पास आता है तो उसकी वजह से आपको प्रेशर या पेन महसूस हो सकता है। बट ये सारी चीज़ जब थर्ड ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में होना नॉर्मल है। अर्ली प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना तो आपका बेबी का कुछ वेट होता है, ना आपका वेट गेन होता है, कोई इस तरीके का प्रेशर नहीं होता है। बट स्टिल कई लोगों को वजाइनल पेन या प्रेशर फील होता है इन अर्ली प्रेगनेंसी, मतलब स्टार्टिंग के 4-5 वीक्स के आसपास, जब आपको, कई लोगों को तो पता भी नहीं होता कि अभी वो प्रेगनेंट है या नहीं, तभी भी वजाइनल पेन हो रहा होता है या प्रेशर हो रहा होता है। उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण जो है सबसे मेन रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर रिलीज़ होता है बॉडी में, और अर्ली प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है। बिकॉज़ ये हार्मोन जो है वो हेल्प करता है हमारा जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको यूट्रस में इम्प्लांट होने में, इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए ये हार्मोन काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो आपके वजाइनल एरिया, पेल्विस एरिया के आसपास की जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देता है, थोड़ा सा वीकन करता है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो आपके वजाइनल एरिया के आसपास आने लगता है इम्प्लांटेशन प्रोसेस के दौरान, और आपको वजाइनल पेन या वजाइनल प्रेशर जो है वो फील हो सकता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक कि आपको बहुत ही हल्का फुल्का सा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन नहीं होता है, ये हल्का फुल्का आपको वजाइनल एरिया के आसपास, बाहर या अंदर कहीं पे भी आपको महसूस हो सकता है कि पेन हो रहा है या प्रेशर जैसा महसूस हो रहा है, कुछ चीज़ अंदर से पुश कर रही है या बाहर की तरफ खींच रही है, ऐसा कुछ महसूस हो सकता है। बट जब तक इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, बियरेबल है, नोटिसेबल है कि आपको नोटिस हो रहा है बट बियरेबल है, तब तो कोई टेंशन की बात नहीं। बट बहुत ज़्यादा अगर कुछ हो रहा है तो फिर कुछ गड़बड़ का ये साइन है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप डॉक्टर को विजिट कीजिए। बट हल्का फुल्का पेन या प्रेशर महसूस होता है तो ये हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी का साइन हो, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो रही हो, उसके उसका भी एक साइन हो सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और थोड़ा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा वहाँ पर आप प्रेशर मत दीजिए, थोड़ा वॉकिंग वगैरह भी कीजिए और थोड़ा रेस्ट भी कीजिए, तो इससे आपको इसमें थोड़ा सा आराम मिलेगा। बट ये जो प्रॉब्लम है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा होती है, बट एक बार एक महीना ऐसे पूरा हो जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे ये ख़त्म भी हो जाती है। तो घबराने की, टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज़ ये एक पर्टिकुलर हार्मोन की वजह से हो रही है। बट आपको ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रह रही है या बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में हो रही है तो एक बार अपने डॉक्टर को विजिट कर लीजिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और इनकेस कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो आई होप आपको ये जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा और आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके के वीडियोस जो लाती रहती हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले और आप मेरे वीडियोस टाइमली देख पाएं। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।